कोविड महामारी के चलते प्रदेश में फूल उत्पादन पूरी तरह से तबाह होकर रह गया है और जहां हिमाचल से हर साल 100 करोड़ का व्यवसाय फूल उत्पादकों को होता था, वह पिछले 1.5 सालों से शून्य हो गया है, जिससे फूल उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है। हिमाचल के तकरीबन हर जिला में करोड़ों रुपए के फूलों के उत्पादन में जुटे हुए किसान आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तो प्रदेश सरकार के द्वारा भी फूल उत्पादकों के बारे में कोई सुध न लिए जाने से अब इन फूल उत्पादकों का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। चाहे बात शिमला की हो या फिर सोलन, मंडी, ऊना, बिलासपुर की हो, सभी जगह फूल उत्पादकों के ऐसे हालात बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल में सालों से लाखों रुपए के फूलों का व्यवसाय कर रहे पवन कुमार का है, जिसे कोविड महामारी के दौरान अब व्यवसाय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है, तो पेट पालने के लिए सब्जी की दुकान पर निर्भर होना पड़ा है। जिला के बड़सर उपमंडल के तहत फूलों के उत्पादन में नाम कमा चुके पवन कुमार ने साल 2013 में बैंक से 3 करोड़ रुपए का लोन लेकर व्यवसाय शुरू किया था और कुछ ही सालों में पूरे प्रदेश में पवन कुमार ने अपना नाम कमा लिया था। लेकिन कोविड महामारी के चलते अब पवन कुमार की कमर ही टूट गई है और फूलों का व्यवसाय पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। पवन कुमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी गुहार लगाई है कि फूल व्यवसाय पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और हमें जल्द मदद प्रदान की जाए। सर, पिछले साल कोरोना आया था, तो पिछले साल कोरोना के कारण 20-25 लाख का नुकसान हुआ था। तो इस बार हमने सोचा फरवरी तक पे ये कोरोना खत्म हो गया है, हमीरपुर में भी केस थोड़े कम आ रहे थे, पर हमने सोचा भाई खत्म ही हो गया कोरोना। पर कोरोना की इसके चक्कर में हमने फिर प्लान लगा दिया, प्लान लगाया हमने कम से कम 3-4 लाख प्लान लगा दिया, कम से कम 10-12 लाख का फूल लगाया, प्लान लगाया। तो ये करीब करीब कम से कम भी ज़्यादा नहीं, को 25 लाख का, 28 लाख का माल है। तो इस टाइम एक भी स्टिक इस साल एक भी स्टिक बाहर नहीं गई, तो सारा काट काट के बाहर फेंका है। जितने भी इस कोरोना के चक्कर में जितने भी लेबर लगी हुई थी सब घर में बैठी हुई है, कोरोना के चक्कर में कोई काम नहीं कर रहा है, खुद अपने आप काम कर रहा दिन कर रहे हैं, पर क्या करना है, बहुत नुकसान हो रहा है। बैंकों का बैंकों की किस्त देनी है, कहाँ से देनी है सर। तो हम सोच रहे हैं भाई या सरकार कुछ हमें कुछ ना कुछ मदद करे तो हमारा कुछ ना कुछ हो। वहीं पवन कुमार के भाई सुरेश कुमार का कहना है कि पवन कुमार ने बैंक से कर्जा लेकर फूलों का कारोबार शुरू किया था, जिससे उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा था, लेकिन कोविड महामारी के चलते ये व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे है कि भाई साहब ने 2 साल से कोरोना चला हुआ है, पहले कम से कम 8-10 साल से काम कर रहे हैं फूल का, जिससे कि 2 साल से तो बड़ी स्थिति खराब हो गई है। सरकार से थोड़ी गुजारिश करते हैं कि कुछ हमारी मदद की जाए, और कम से कम इस बार भी हमने मिलजुल के काम किया, जिससे कि कम से कम को 25-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तो सरकार से यही गुजारिश करती जा सकती है कि कुछ हमारी हेल्प की जाए, इससे कुछ हमारा भी जो हमारे हमने लेबर लगाई थी उसका भी खर्चा निकले, और बैंकों से किस्तें ली हुई लोन की किस्त देना बड़ी मुश्किल हो चुकी है, यही गुजारिश कर सकते हैं सरकार से। वहीं वंदना देवी और सुनीता देवी का कहना है कि इस बार काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, लॉकडाउन की वजह से फूलों को दिल्ली, हरियाणा या दूसरे राज्यों में नहीं भेजा जा सकता, बैंक का लोन चुकाने में भी परेशानी पेश आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मदद की गुहार लगाई है। हम तो यही कहेंगे जी कि हमारी मदद की जाए, फूल जा नहीं रहा है, बाहर फेंकना पड़ा काट कर, तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि कुछ न कुछ हमारी मदद की जाए। हम पिछले 8 सालों से ये व्यवसाय कर रहे हैं फूलों का, तो 2 साल से कोरोना की वजह से तो फूल कहीं भी नहीं जा रहा है, तो बाहर ही फेंकना पड़ रहा है काट कर। कुछ तो फूल ख़राब हो गया जो कि बाहर से आता है पौधा बाहर से, और यहाँ लेबर लगा के काम करते हैं, और फिर जो हमने कर्जे लिए हुए हैं बैंकों से वो भी अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो उनकी किस्तें देना भी हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर विभाग के निदेशक जेपी शर्मा से फोन पर बात की गई, तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 से पहले समूचे हिमाचल प्रदेश से 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर फूल उत्पादन का किया जाता था, लेकिन करीब 1.5-2 साल से कोविड के चलते ये टर्नओवर शून्य पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि बीते साल हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद कर उन्हें राहत पहुंचाई थी, इस बार अभी तक किसानों को किसी भी प्रकार की मदद मुहैया नहीं करवाई गई है।